आप देख रहे हैं दखल न्यूज। भारत यूएसए के बीच $3 अरब की डिफेंस डील, अमेरिका से रोमियो और अपाचे हेलीकॉप्टर लेगा भारत। दिल्ली में हुई हिंसा में 9 लोगों की मौत, अर्धसैनिक बलों की 37 कंपनियां तैनात, दंगाइयों से सख्ती से निपटने के निर्देश। कमलनाथ का वित्त प्रबंधन गड़बड़ाया, सरकार फिर ले रही है 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज। यूनाइटेड रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण। और निलंबित कर्मचारियों से 2 अंक दर्जे का व्यवहार, निलंबित कर्मचारियों के बैठने की अलग व्यवस्था। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के दूसरे दिन दोनों देशों के बीच करीब $3 अरब की डिफेंस डील पर मोहर लग गई है। इन सौदों में अमेरिका से 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर और 6 H-64E अपाचे हेलीकॉप्टर भारत लेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल के बीच हैदराबाद हाउस में हुई बातचीत में इस डिफेंस डील पर सहमति बनी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि $3 अरब से ज्यादा के डिफेंस डील से दोनों देशों के रक्षा संबंध और मजबूत होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हमने भारत अमेरिका पार्टनरशिप के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की, वह चाहे रक्षा हो या सुरक्षा। हमने एनर्जी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ट्रेड और पीपल टू पीपल के बीच संबंधों पर भी चर्चा की। रक्षा क्षेत्र में भारत अमेरिका के बीच मजबूत रिश्ता हमारी साझेदारी का महत्वपूर्ण पक्ष है। Prime Minister Modi will agree that this has been a very productive visit for both of our countries. Earlier today we expanded our defense cooperation with agreements for India to purchase more than $3 billion of advanced American military equipment, including Apache and MH-60 Romeo helicopters, the finest in the world. These deals will enhance our joint defense capabilities as our militaries continue to train and operate side by side. Bharatiya forces aaj sabse adhik training exercises USA ke forces ke saath kar rahi hai. Pichle kuch saalon mein hamari senaon ke beech interoperability mein unprecedented vriddhi hui hai. Friends, इसी तरह हम अपने होमलैंड्स की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से लड़ने के लिए भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। आज होमलैंड सिक्योरिटी पर हुए निर्णय से इस सहयोग को और बल मिलेगा। आतंक के समर्थकों को जिम्मेदार ठहराने के लिए आज हमने अपने प्रयासों को और बढ़ाने का निश्चय किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये 2 दिन बहुत शानदार रहे, पीएम मोदी के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई, भारत एक महादेश है, भारत में हमने सभी को पसंद किया, पीएम मोदी और मेरे बीच बहुत अच्छे संबंध रहे, हमने कई मुद्दों पर बात की, यह हमारे लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत अच्छा समय रहा। भारत और अमेरिका के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित भोज में हिस्सा लिया और अमेरिका रवाना हो गए। हिंसा की आग में झुलसी उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक हेड कांस्टेबल सहित 10 लोगों की मौत के बाद पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। नागरिकता कानून संशोधन को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली में सोमवार से शुरू हुई हिंसा मंगलवार को मौजपुर और ब्रह्मपुरी इलाके में जारी रही। दोपहर बाद इस पर काबू पाया जा सका। दिल्ली हिंसा में 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, इनमें 56 पुलिस वाले हैं। दंगाइयों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में मंगलवार भी हालात तनावपूर्ण रहे। सुबह सुबह 5 मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया गया। मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात है।
देर रात से सुबह तक मौजपुर और उसके आसपास इलाकों में आगजनी की 45 घटनाएं हुई, जिसमें दमकल की एक गाड़ी पर पथराव किया गया, जबकि एक दमकल की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें 3 दमकल कर्मी घायल हुए हैं। इस बीच हिंसाग्रस्त इलाकों में अधिक पुलिस फोर्स की तैनाती का फैसला किया गया है। ब्रह्मपुरी, गोंडा, मौजपुर, चांदपुर, करावल नगर में अर्धसैनिक बलों की 37 कंपनियां तैनात की गई हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के 12 इलाकों में पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी और उपद्रवियों से निपटा जाएगा। दिल्ली हिंसा पर गृह मंत्रालय की बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल, पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक समेत कई अफसर मौजूद रहे। दिल्ली के हालात को देखते हुए 13 अर्धसैनिक बलों की कंपनियों को दिल्ली पुलिस की मदद के लिए तैनात किया गया है। इनमें 2 कंपनियां रैपिड एक्शन फोर्स, 1 सीआरपीएफ महिला कंपनी शामिल है। दिल्ली के हिंसा वाले इलाकों में अर्धसैनिक बलों की इन कंपनियों की तैनाती है। एहतियातन जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, गोकुलपुरी, जौहरी इनक्लेव और शिव विहार मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सभी स्कूल आज बंद रहे। दिल्ली से सटे दूसरे राज्यों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की आईफा वाली कमलनाथ सरकार फिर 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। कमलनाथ सरकार अब तक 19,600 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। मध्य प्रदेश के ऊपर 2,00,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। मुख्यमंत्री कमलनाथ की सारी कलाकारी भी मध्य प्रदेश के वित्त प्रबंधन को ठीक नहीं कर सकी है। वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही प्रदेश सरकार एक बार फिर बाजार से 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है। यह राशि विकास परियोजना और वित्तीय गतिविधियों में लगाई जाएगी। इसके पहले भी साल भर में 19,600 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा चुका है। इसे मिलाकर प्रदेश के ऊपर कर्ज लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद कहा जा रहा था कि वे वित्त प्रबंधन के मास्टर हैं और कुछ ही महीने में मध्य प्रदेश की माली हालत सुधर जाएगी, लेकिन 1.25 साल बीतने के बाद एमपी के वित्तीय हालात जस के तस बने हुए हैं और कमलनाथ का जादू भी फेर होता दिख रहा है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय करों में 14,233 करोड़ रुपए की कटौती होने के बाद सरकार का वित्तीय प्रबंधन गड़बड़ा गया है। मध्य प्रदेश में लगभग 15,00,000 कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता और राहत 5% बढ़ाने का फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। धनराशि नहीं होने से विभागों के बजट में बड़ी कटौती भी करना पड़ी है। इतना ही नहीं, कई खर्चों पर वित्त विभाग ने रोक लगा दी है। ऐसी सूरत में कर्ज लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बाजार से 10 साल के लिए कर्ज लिया जा रहा है। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में तय सीमा के दायरे में रहते हुए कर्ज ले रहे हैं। राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.5% तक कर्ज लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के मंत्रालय में यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन कार्ड का लोकार्पण किया गया। मध्य प्रदेश अब यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करने वाला देश का पहला और यूनिफाइड लाइसेंस जारी करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। इसके पहले उत्तर प्रदेश राज्य ने सिर्फ यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए थे। केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2019 में पूरे देश में एक समान ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन कार्ड लागू किए जाने के संबंध में गाइडलाइन जारी की गई थी। परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा यह कार्ड जारी किए जाने के संबंध में सॉफ्टवेयर और कार्ड संबंधी तैयारी पूरी कर ली गई है। ये कार्ड आज से ही आम लोगों को आरटीओ दफ्तर में मिलने लगेंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने परिवहन विभाग को देश में यूनिफाइड पंजीयन कार्ड बनाने में पहला और ड्राइविंग लाइसेंस में दूसरा राज्य बनने पर बधाई दी। इस मौके पर कमलनाथ ने यूनिफाइड कार्ड के प्रथम 6 उपभोक्ताओं को टोकन के रूप में कार्ड वितरित किए। इस अवसर पर मुख्य सचिव गृह और परिवहन SN मिश्रा, परिवहन आयुक्त V मधु कुमार और परिवहन विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। आज से ही पूरे प्रदेश में यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस एवं पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी तत्काल से ये पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी और इसके लागू होने के बाद नए QR कोड इसमें रहेगा, विशेष सीरियल इसमें रहेगा, बहुत सारी सुविधा होगी।
आपको बता दें कि क्या है कार्ड और इन कार्ड की विशेषता क्या है। यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन कार्ड में नई जानकारियां संकलित की गई हैं। पूरे देश में यह कार्ड एक समान और एक रंग का है। पहाड़ी और खतरनाक क्षेत्रों में ड्राइविंग करने की क्षमता का भी इसमें उल्लेख किया गया है। विशिष्ट सीरियल नंबर होने के साथ ही इसमें आकस्मिक इमरजेंसी नंबर होगा, साथ ही बैज नंबर भी दर्ज किया गया है। नए कार्ड के दोनों तरफ जानकारी अंकित होने के साथ ही ऑर्गन डोनर QR कोड और अमान्य वाहन पंजीयन नंबर की भी जानकारी होगी। परिवहन आयुक्त वी मधु कुमार ने बताया कि ये कार्ड आज से ही आम लोगों को RTO दफ्तर से मिलना शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की पहचान उद्योगपति के रूप में तो थी, मगर उन्हें चिंता थी कि मध्य प्रदेश की पहचान कैसे बने, तो उन्होंने आईफा अवार्ड कराने का निर्णय ले लिया। मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस निर्णय से प्रदेश को पहचान मिलेगी या नहीं, ये बात का विषय है। अभी तो खुद कमलनाथ जी दो चीजों से खासे पहचाने जाने लगे हैं, एक उद्योगपति मुख्यमंत्री की तो दूसरी आईफा वाले मुख्यमंत्री की पहचान बन चुकी है। मगर अब जनता इंतजार कर रही है अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री के आसमान से नीचे आने का, क्योंकि मध्य प्रदेश का भविष्य यानी स्कूल में पढ़ने वाले नन्हे बच्चे रोज अपनी जान पर खेलकर जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हो गए हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, जरा फिल्मी सितारों की चकाचौंध से बाहर आकर अपने प्रदेश का अंधकार भी देखिए। देखिए कि कैसे जर्जर भवन में आपके प्रदेश का कल का भविष्य गढ़ रहा है। ये बच्चे जानते हैं कि पढ़ेंगे नहीं तो भविष्य खराब हो जाएगा, इसीलिए आपके राज में अपनी जान जोखिम में डालकर इस जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं, जो कभी भी इनके ऊपर गिर सकता है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आपके ही राज की हैं। शासकीय माध्यमिक शाला बीना में जर्जर भवन की हैं। बच्चों के साथ जर्जर भवन में कभी भी कोई भी बड़ी घटना हो सकती है, मगर फिक्र किसको है, ये तो सिर्फ शिकायत कर सकते हैं। तो BRC और उच्च अधिकारियों को शिकायत भी की, मगर उन्हें भी क्या, उनके बच्चे भी नहीं पढ़ते इस स्कूल में। भवन गिरे तो गिरे, क्या फर्क पड़ता है। शिक्षा विभाग ने मौन धारण कर रखा है और चुनाव जीतने के बाद तो जनप्रतिनिधि कुंभकर्ण की नींद सो ही जाते हैं। पुराना भवन जो है 3 कमरों का, वो पूर्णतः उनकी सीलिंग जो है क्षतिग्रस्त है, उसकी मेजर रिपेयरिंग होना बहुत आवश्यक है। दर संख्या स्कूल की 165 है और बैठने के लिए पर्याप्त कमरे नहीं है। देवरी कला देवरी से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत बीना में शासकीय माध्यमिक शाला जर्जर भवन में संचालित किया जा रहा है। कभी भी ये भवन भरभरा के गिर सकता है। मुख्यमंत्री जी, आपको जानकर खुशी होगी कि आपके प्रदेश के बीना शासकीय माध्यमिक शाला में पढ़ने वाले बच्चे अपने भविष्य को लेकर बेहद जागरूक हैं। लगभग 165 संख्या में उपस्थिति दर्ज होती है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था तो ठीक ठाक है, बच्चों को पढ़ना पसंद है और शिक्षकों को पढ़ाना भी पसंद है, मगर सबकी चिंता एक ही है कि ना जाने कब ये जर्जर भवन काल साबित हो जाए। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, पूरी तरह से विद्यालय जर्जर स्थिति में है। कभी भी बिल्डिंग की छत का हिस्सा बच्चों को अपना शिकार बना सकती है। शिक्षक मजबूर हैं, शासकीय माध्यमिक शाला के जर्जर भवन में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। उनका काम शिक्षा देना है, जो वो पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। वो अपना काम ना करें तो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे, मगर शासन प्रशासन और शिक्षा विभाग शायद किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। तो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, देखा आपने कि आपके प्रदेश का भविष्य किन हालातों में पल रहा है। बेहतर हो कि जनता के टैक्स का पैसा सही जगह उपयोग हो। मुख्यमंत्री जी, आप प्रदेश की पहचान बने, इसीलिए ही तो आपको मुख्यमंत्री बनाया था, मगर आपकी पहचान आईफा वाली होने की जगह उच्च दर्जे की शिक्षा वाले मुख्यमंत्री, बेहतर रोजगार वाले मुख्यमंत्री, खुशहाल किसान वाले मुख्यमंत्री, सुरक्षित महिला वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री वाली बनी होती तो जनता आपको सर आंखों पर बिठा कर रखती। जरा सोचिए कि क्या आईफा आपकी सही पहचान बना पाएगा।
समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कमलनाथ के राज में रोज नए प्रयोग हो रहे हैं। अब ग्वालियर के जिला शिक्षा अधिकारी का एक तुगलकी फरमान सामने आया है, जिसमें निलंबित कर्मचारियों के बैठने की अलग से व्यवस्था कर दी गई है और लिख दिया गया है कि निलंबित कर्मचारियों के बैठने का स्थान, यह फरमान कर्मचारियों को अपमानित करने के जैसा है। कांग्रेस के शासनकाल में नए नए नियमों और फरमानों से कर्मचारी हलाकान है। ग्वालियर में जिला शिक्षा अधिकारी का फरमान भी शिक्षकों को अपमानित करने वाला है। निलंबित शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए अलग से बैठने का स्थान आरक्षित कर कर्मचारियों को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। निर्देश में लिखा गया है कि निलंबित टीचर को जिस निर्धारित स्थान पर बैठाया जाए, उस स्थान पर पेंट से लिखवाया जाए निलंबित कर्मचारियों के बैठने का स्थान। यदि एक से अधिक निलंबित कर्मचारी मुख्यालय पर ज्वाइन हुए तो बैठक व्यवस्था में 1, 2, 3 अंकित किया जाएगा। निलंबित कर्मचारी के निर्धारित स्थान पर बैठने के बाद उसका फोटो खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाए। इस व्यवस्था को मंगलवार तक पूरा करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी ने दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने यह निर्देश सभी प्राचार्य बीईओ बीआरसीसी को दिए हैं। डीईओ को इस फरमान से कर्मचारी संगठन में नाराजगी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनके और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच कोई विवाद है, ऐसा प्रचार भाजपा कर रही है। शिवराज सिंह चौहान इन दिनों गर्त में हैं, भाजपा उन्हें पीछे धकेल रही है। मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय और विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव उन्हें पीछे धकेलने में लगे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की सड़क पर हुई मुलाकात चर्चा का विषय बनी हुई है। दोनों नेताओं के बीच होने वाली समझौता वार्ता एक बार फिर नहीं हो पाई है। ऐसे में दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं गुना जा रहा हूं और सिंधिया भी आ रहे हैं, यदि मैं उनसे ना मिलूं तो मीडिया वाले कहते हैं कि उनके और मेरे बीच में तकरार है। उन्होंने साफ कहा कि उनके और सिंधिया के बीच कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर बाबा की कार्यप्रणाली अलग है, लक्ष्मण सिंह जी की अलग है, मेरी अलग है, सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अशोकनगर जिला बनने के बाद बहुत आगे बढ़ा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर कांग्रेस के नेताओं ने बहुत काम किया है। मैं गुना जा रहा हूं और वहां मुझे मालूम पड़ा महाराज भी रहेंगे, तो अगर मैं ना मिलूं तो आप लोग उसको बता देंगे कि दिग्विजय सिंह और सिंधिया जी में तनातनी हो गई, इसलिए मैंने कहा कि मिल के जाऊँगा। शिवराज सिंह जी बड़े गर्त में हैं आजकल, भाजपा उन्हें पूछ नहीं रही है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा और हमारे विपक्ष के नेता भार्गव जी, ये सब लोग मिलकर, कैलाश विजयवर्गीय जी, सबको सब लोग मिलकर शिवराज सिंह जी को पीछे धकेल रहे हैं। शराबबंदी पर उन्होंने कहा कि यदि उस मोहल्ले की 50% महिलाएं लिख कर दें तो वहां दुकान नहीं खुलेगी। शराब नीति पर उन्होंने कहा कि शराबबंदी का कहीं भी जिक्र नहीं है, लेकिन अगर किसी मोहल्ले की महिलाएं लिख कर दे दें कि दुकान नहीं खोलना है तो दुकान वहां नहीं खुलेगी, यह मेरा मुख्यमंत्री काल से चला रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तय करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा में इन दिनों खुलेआम लूट मची हुई है, जिसका विरोध खुद कांग्रेस के ही कार्यकर्ता कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने नगर निगम कमिश्नर पर करप्शन का आरोप लगाया और उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। छिंदवाड़ा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल मालवीय ने नगर निगम कमिश्नर इच्छित गढ़पाले पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और कमिश्नर पर कमीशनबाजी करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कमिश्नर छोटे व्यापारी की उपेक्षा कर बड़े व्यापारियों से साठ गांठ करते हुए लूट कर रहे हैं, शासन की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में
पक्षपातपूर्ण ढंग से किए जाने के खिलाफ कांग्रेस नेता नगर निगम कमिश्नर से मुलाकात करने के लिए गए, लेकिन नगर निगम कमिश्नर ने पुलिस बल को बोलकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बाहर ही रोक दिया, जिसके खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कमिश्नर के मीटिंग हॉल तक घुस गए, जिसके बाद भारी पुलिस बल के आने के बाद मामले को शांत किया गया। उसके बाद नगर निगम कमिश्नर ने कांग्रेसी नेताओं से लिखित में शिकायत मांगी। कांग्रेसी नेताओं का आरोप था कि आधे घंटे हमको रोका गया, जिसके कारण हमें मजबूरी में नारेबाजी करनी पड़ी और ये भ्रष्टाचारी कमिश्नर को तत्काल यहाँ से हटाया जाए। इसलिए हम लोग आज शांतिपूर्ण धरने पे बैठे, हम लोगों ने नीचे नारेबाजी की ताकि जनता पर और आप लोगों के डायरेक्ट माध्यम से मैसेज समाज पे जाए, ऐसे व्यक्ति को तत्काल। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने अचानक होशंगाबाद के जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और गंदगी देखकर अस्पताल प्रबंधन से नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर संतोष जाहिर किया और जो कमियां मिली उन्हें तत्काल दूर करने के निर्देश विभाग को दिए। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने होशंगाबाद जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर अस्पताल की व्यवस्थाएं देखी। अस्पताल परिसर में फैली गंदगी को लेकर उन्होंने फटकार भी लगाई। स्वास्थ्य मंत्री ने वार्डों में भर्ती मरीजों से बात कर उनके हाल जाने, साथ ही वार्डों का भी निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाएं देखी। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार का दायित्व है कि प्रदेश की जनता को अच्छा स्वास्थ्य मिल सके। होशंगाबाद संभागीय अस्पताल होने के कारण मरीजों की संख्या ज्यादा रहती है। आगामी समय में और अच्छी से अच्छी मशीनें इस अस्पताल को दी जाएंगी। पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, जिस प्रकार से आपने कहा, चाहे होशंगाबाद जिला हो या मध्य प्रदेश का कोई भी जिला अस्पताल हो, सिविल अस्पताल हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, उस स्वास्थ्य केंद्र हो, इन सबको ठीक करने की जवाबदारी मध्य प्रदेश की सरकार की है। और मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जब पूरे मध्य प्रदेश का बजट आवंटन हो रहा था, मध्य प्रदेश के इतिहास में 33% बजट हमने बढ़ा के दिया, क्योंकि मेरे जिला अस्पताल में समाज का वो तबका, समाज का वो वर्ग, समाज का वो मध्य प्रदेश की आत्मा, आदिवासी मजदूर वो आता है। ये मध्य प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है, इनको बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा इलाज हम देने की कोशिश कर रहे हैं। भोपाल में बाबड़िया कला के पौश इलाके चंद्रिका हाउसिंग सोसाइटी में सड़क निर्माण ना होने के कारण स्थानीय निवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार नगर निगम सहित सीएम हेल्पलाइन में भी इसकी शिकायत की जा चुकी है, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। इस इलाके में स्ट्रीट लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं है। आए दिन असामाजिक तत्व यहां सक्रिय रहते हैं, जिससे लोगों में काफी रोष व्याप्त है। सरकार विकास और कानून व्यवस्था सुधारने के चाहे लाख दावे करे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। भोपाल में चंद्रिका हाउसिंग सोसाइटी में सड़क निर्माण नहीं होने से रहवासियों में काफी रोष है। कहने को तो ये राजधानी भोपाल का पौश इलाका है, लेकिन यहाँ लगभग 15 सालों से ना तो सड़क का निर्माण हुआ है और ना ही स्ट्रीट लाइट लगवाई गई है। पत्थरों और धूल से भरी इस सड़क को देखकर नहीं लगता यह राजधानी भोपाल की सड़क है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए कई बार नगर निगम राजधानी परियोजना को आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन बेपरवाह अधिकारियों ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अधिकारी सड़क निर्माण करने के बजाय एक दूसरे पर टाल रहे हैं। रहवासियों ने खुद सड़क पर मिट्टी डालकर जैसे तैसे सड़क को चलने लायक बनाया है, लेकिन बरसात आते ही वह सड़क पूरी तरह धस गई। महिलाओं ने बताया कि यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है, आए दिन यहाँ असामाजिक तत्व सक्रिय रहते हैं। इलाके में शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे महिलाएं और बच्चों में डर का माहौल बना हुआ है। कॉलोनी की सड़क में सैकड़ों वाहन प्रतिदिन निकलते हैं, जिससे लोगों के घरों में धूल और गिट्टी पहुंच रही है। यहाँ पे रोड की आप लोग हालत देख रहे हैं, बहुत सारे असामाजिक तत्व होते हैं, जैसे यहाँ पे रात को लोग आकर के दारू पीते हैं। इवन हम लोग इतने रेपुटेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर लोग हमारे घर के सामने, बच्चों के सामने आकर टॉयलेट कर रहे हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। लाइट्स नहीं है, जिससे बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज़ कैसे करेंगे? कोई कैंपस नहीं है प्रॉपर, अभी बच्चों के समर कैंप स्टार्ट हो रहा है, बच्चे कैसे करेंगे आउटडोर एक्टिविटीज़? कोई प्रॉपर स्पेस नहीं है, इतनी डस्ट। आप बोलते हैं क्लीन इंडिया करिए, क्लीन भोपाल हम फर्स्ट नंबर में लाएं, बट आप रोड की हालत देखिए, हम कहां से उसको फर्स्ट नंबर में रैंक में लेके आए क्लीन इंडिया, बताइए। आप रोड की हालत देखिए, आए दिन रोड जितना इम्प्रूव करना चाहिए उसको और वर्स्ट कंडीशन में ला रहे हैं। सर यहां पे शुरू से ही रोड नहीं है,
यहाँ पे रोड नेटवर्क ही नहीं है, 80 फीट चौड़ी रोड है, कम से कम 500 से 600 परिवार यहाँ पे आगे निवास कर रहे हैं, और बारिश में तो यहाँ पे तालाब जैसा बन जाता है, घरों के अंदर भी हमें मतलब पाँव पानी में डूब के ही जाना पड़ता है, वो कीचड़ इतना रहता है कि गाड़ी चलना मुश्किल, पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है, रात में अंधेरा रहता है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। इसके पहले भी सबसे बात करिए, जनप्रतिनिधियों से बात कही की गई है, नगर निगम में भी आवेदन दिया गया है, परंतु ये बहाना बनाया जाता है कि साहब ये नगर निगम जो है हैंडओवर कॉलोनी हैंडओवर नहीं हुई है। 10-15 साल से देख रहे हैं, एक बार भी रोड नहीं बनी है यहाँ, और गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा इसी रोड से जाती है, बहुत धूल से भी परेशान है, रोड से भी परेशान है, कितने लोग गिरते फिरते रहते हैं, कोई अस्पताल लेके जाते उनको। इलाके में शहर जैसी कोई सुविधा नहीं है, यूं तो स्वच्छ भोपाल बनाने की कवायद की जा रही है, लेकिन जब इलाके के अंदर जाकर लोगों से पूछताछ की गई तो लोगों ने बताया कि स्वच्छता और विकास के नाम पर सिर्फ वो टैक्स पे कर रहे हैं। कॉलोनी से सटे नाले की भी सफाई नहीं की गई है, नाले में गंदगी इतनी कि लोगों का घरों में रहना दूभर हो गया है, आए दिन लोगों के घरों में सांप घुस जाते हैं, जिससे लोगों की जान पर बनाई, लोग इस गंदगी और डर भरे माहौल में रहने को मजबूर है। कॉलोनी वासियों ने इसकी शिकायत और आवेदन सीएम हेल्पलाइन सहित स्थानीय विधायक, स्थानीय पार्षद और नगर निगम को भी की, पर जिम्मेदार अधिकारी और प्रतिनिधियों ने तो जैसे आंख मूंद रखी है। चुनाव के समय नेता बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म तो जैसे नेताओं की जिम्मेदारी भी खत्म। देखिए अभी तक मतलब जो है और भी यहाँ के जो रहवासी हैं उनने जो समस्याएं बताई तो वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन मुझे आप सिर्फ एक चीज़ बताइए कि ये पार्शलिटी क्यों है कि मतलब रोड के उस साइड जो है सेम इसी रोड का सेगमेंट है वो, और वहाँ पे जो है पक्की रोड बन रही है वहाँ पे, और जो है इसको जो है आप छोड़ रहे हैं, इसको इस चीज़ पे जो है मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। काफ़ी टाइम से हम लोग इस नाले के संबंध में लिखा पढ़ी करते रहे, और वहाँ वो अपने विधायिका हैं कृष्ण गौर जी से भी हम लोग मिले, और अपने पार्षद राम बाबू से भी मिले, इस संबंध में कहा, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि अमृत योजना में इसको बनवा देंगे, करवा देंगे, आज तक यहाँ कुछ नहीं हुआ। हम लोग अपने व्यक्तिगत पैसे से ये अभी पानी की निकासी करवाई है, इधर ये निकासी करवाइए, अन्यथा ये पानी सीवेज का उबल के हमारे पूरे एरिया में भरा जाता है, तो ना बच्चे फैमिली बहू बेटियों का निकलना मुश्किल हो जाता है। इस संबंध में हमने सोसाइटी के अध्यक्ष को भी अवगत कराया गया, अभी तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग इस तरह परेशान, और काफ़ी यहाँ मच्छर वगैरह इतना हो जाते हैं कि शाम के और सुबह खड़ा होना मुश्किल हो, बदबू से परेशान है हम लोग। कॉलोनी वासियों का कहना है कि अगर सड़क निर्माण का कार्य जल्दी शुरू नहीं किया गया तो नगरीय निकाय चुनाव के चलते फिर आचार संहिता लगेगी, और एक बार फिर जनप्रतिनिधि वादों के साथ सड़क निर्माण के सिर्फ आश्वासन देंगे। प्रशासन और शासन की अनदेखी से अब तो यही लग रहा है कि अधिकारी किसी बड़ी घटना के इंतजार में हैं। चंद्रिका हाउसिंग सोसाइटी में सड़क, बिजली और सफाई की अव्यवस्था ने सरकार, नगर निगम और स्थानीय प्रतिनिधियों के अपने क्षेत्र के विकास के दावों की पोल खोल कर रख दी है। इस बारे में जब अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना था जल्द ही सड़क निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। कहने को तो भोपाल में यह पॉश इलाका माना जाता है, लेकिन रहवासियों की इतनी समस्याएं हैं, ना कोई पार्षद सुन रहा है, ना कोई नगर निगम सुन रहा है, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है। आइए हम देखते हैं समस्याओं के बारे में। यहाँ देख सकते हैं आप कि सड़क का निर्माण अभी तक नहीं हुआ, लगभग 15 साल हो गए हैं। रहवासियों का कहना है कि 15 साल हो गए अभी तक सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। 15 सालों में यहाँ बरसात में क्या स्थिति होती होगी इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। यहाँ देखे जा सकते हैं बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, डिवाइडर के बाहर पत्थर पड़े हुए हैं, जो सड़कें हैं वो धूल से भरी हुई हैं, यहाँ कचरे का ढेर लगा हुआ है। रहवासियों का यहाँ तक कहना है कि यहाँ जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो तक नहीं मौजूद हैं, यहाँ रात में अंधेरा रहता है, यहाँ पर असामाजिक तत्व आते हैं, यहाँ पर जो रहवासी हैं, जो औरतें हैं, जो बच्चियाँ हैं, वो तक सुरक्षित नहीं है। तो ये पार्षद और नगर निगम और ये प्रशासन के बीच में फंसे हुए हैं रहवासी, इनको कोई बताने वाला नहीं है कि क्या करना चाहिए। कहीं भी एप्लीकेशन देते हैं, इन्होंने बताया कि इन्होंने सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो रोड कब तक बनेगी इसका अंदाज़ा अभी इन रहवासियों को नहीं है, जबकि ये रहवासियों का कहना है कि सड़क के जस्ट 10 मीटर के बाहर देखें तो उधर रोड बनाई जा रही है, लेकिन सड़क के इधर रोड नहीं बनाई जा रही। मेन रोड जो है, मेन रोड के उस पार रोड बनाई जा रही है, लेकिन मेन रोड के इस पार रोड क्यों नहीं बनाई गई अभी तक अंदाजा नहीं लगा सकता। जो यहाँ के रहवासी हैं, जो औरतें हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो सुरक्षित नहीं है। यहाँ पत्थर कभी भी उछल कर किसी के ऊपर लग सकता है। तो अब देखना यह होगा कि प्रशासन, शासन, पार्षद,
विधायक और जो नगर निगम है अब इस पर एक्शन लेता है कि वो ऐसे ही टालते रहेंगे। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। मध्य प्रदेश का मौसम बार बार बदल रहा है। मौसम में फिर 29 फरवरी से बड़ा बदलाव आने वाला है। 29 फरवरी से 2 मार्च के बीच ग्वालियर, चंबल, भोपाल में गरज चमक के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। यह बदलाव जम्मू कश्मीर से गुजरने वाला पश्चिमी विक्षोभ लाएगा। यह बारिश किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि रवि की फसल तैयार हो रही है। ओले गिरने से रवि की फसल को भारी नुकसान हो सकता है। फरवरी के मध्य से मौसम में उतार चढ़ाव बना हुआ है। पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में ओलावृष्टि हो चुकी है। अभी तक ग्वालियर चंबल संभाग अछूता बचा था, लेकिन इस बार 29 फरवरी से जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है यह काफी मजबूत है। इससे ग्वालियर चंबल संभाग, जबलपुर, भोपाल संभाग भी प्रभावित होंगे। 29 फरवरी की रात से बारिश की सिलसिला शुरू हो जाएगा। 1 मार्च 2 मार्च की दोपहर तक जारी रहेगा। बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है। सोमवार को जम्मू कश्मीर से एक पश्चिमी विक्षोभ गुजर रहा है, इस वजह से हवा में नमी बढ़ गई है, लेकिन चक्रवात मजबूत नहीं बन पाया। इससे दोपहर में बादल छा गए। मौसम विभाग के वेद प्रकाश सिंह का कहना है कि 29 फरवरी से ग्वालियर चंबल संभाग में बारिश की संभावना बन रही है। बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। इस दौरान पूरे मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव आएगा। इस दौरान भोपाल में भी 1 मार्च को बारिश होने की संभावना है। सिंगरौली में लगातार तीसरे दिन तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की मुसीबत बढ़ गई है। जिले में फसलें बर्बाद हो गई हैं और तेज गर्जना के साथ हो रही बारिश और ओलावृष्टि बची खुची फसल भी बर्बाद कर रही है। ऐसे में किसानों की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। सिंगरौली के अलग अलग क्षेत्रों सरई, पचौर, बंधा, उज्जैनी, देवसर, चितरंगी, बैढ़न में किसान मुसीबत में है। तेज हवा पानी के साथ लगातार तीसरे दिन ओले बरसे और फसलों को तबाह कर दिया। आसमान से आफत के रूप में ओलों को गिरता देख लोग सहम गए। देखते ही देखते बेमौसम बारिश और ओलों ने किसान की फसल पूरी तरह चौपट कर दी। इस ओलावृष्टि से दलहनी फसल, मटर, मसूर, चना, अरहर सहित आम, महुआ, फूल के बोरों को नुकसान हुआ है। परसों शाम को और कल शाम को, रात को भी कई तहसीलों में, सराय में भी, देवसर में भी, माड़ा में भी, चितरंगी में भी कई जगह पे ओलावृष्टि हुई है। लगातार ओला गिरा है, जिससे मैंने काफ़ी किसानों को नुकसान हुआ है। ऑलरेडी राजस्व की टीम मैंने फील्ड में काम कर रहे हैं। लगातार हम लोग 2 से 3 दिनों में सर्वे पूरा करके शासन से राशि मैंने मांग करके सबको मैंने जो नुकसान हुआ है क्षतिपूर्ति करने के प्रयास करेंगे। वहीं बेमौसम ओले गिरने और बारिश से हुए नुकसान के संबंध में प्रदेश सरकार के मंत्री कमलेश्वर पटेल, विधायक राम लल्लू वैश्य, सुभाष वर्मा और अमर सिंह ने कलेक्टर को पत्र लिखकर इस संबंध में सवाल किए। कलेक्टर ने कहा कि तीनों ब्लॉकों देवसर, बैढ़न, चितरंगी के गांवों में हुए फसल नुकसान के आंकलन के लिए हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द सर्वे करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें। रिपोर्ट आने के बाद फसल के नुकसान की क्षतिपूर्ति राशि किसानों के खाते में डलवाई जाएगी। संत निरंकारी मिशन ने निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के 66वीं जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया, जिसमें अन्य संस्थाओं के अलावा देश भर की 1266 अस्पतालों में सफाई अभियान चलाया गया। देश विदेश में निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की 66वीं जयंती पर सफाई अभियान का आयोजन किया गया। बाबा जी कहा करते थे कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर, दोनों हानिकारक है। यह सफाई अभियान संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। इसमें लाखों श्रद्धालुगण शामिल हुए। बैरागढ़ में भी इस अवसर पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें सेवादारों ने वर्दी पहनकर सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक अस्पताल परिसर, पार्किंग और गंदगी वाले स्थान की सफाई की। मिशन ने जहां सफाई अभियान चलाकर बाहर का प्रदूषण समाप्त किया, वहीं सत्संग के माध्यम से अंदर के प्रदूषण को भी समाप्त करने का प्रयास किया। आज निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के 66वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी के आह्वान पर सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में सरकारी अस्पतालों में जहाँ इस प्रकार की सफाई अभियानों का आयोजन हो रहा है, आज इस समय पूरे हिंदुस्तान में लगभग 1200 सरकारी अस्पतालों में, 450 से 500 शहरों में और लगभग 500 निरंकारी अनुयायी वॉलंटियर, जिसको हम बोलते हैं स्वयं सेवक बोलते हैं, उनके द्वारा ये सफाई अभियान शुरू हुआ है। जहाँ इस सफाई अभियान से
शहर में अस्पतालों में गंदगी दूर होगी। वहीं सत्संगों के माध्यम से आज हर शहर में सत्संग करते हुए निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज के परोपकारी जीवन को याद किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। देख रहे हैं दखल न्यूज़।